Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in the class of UPSC CSET today we will discuss LCM and HCF. LCM HCF important topic है, हर बार exam के अंदर question आता ही आता है. तो LCM HCF का concept सभी ने अच्छे से clear कर लेना, okay? Important topic है. तो अभी आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ. ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, तो सी सेट 2021 के अंदर बेटा क्या क्वेश्चन आया हुआ था. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ 2021 के अंदर ही नहीं, 2019, 2018 हर बार एलसीएम एचसीएफ में से क्वेश्चन आता है. ठीक है, बट हमें क्वेश्चन को देख के पहले पता नहीं होता कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे करना क्या है. अब जैसे यही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी फिफ्थ डे, हरीश ऑन 24th डे, एंड ऑन क्या नाम है, सुमित ऑन 9th डे. ओके, देन इफ ऑल थ्री ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन ए संडे, देन ऑन विच डे विल थ्री ऑफ देम मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे. ओके, तो क्वेश्चन को रीड करके हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एलसीएम का ही जरूरत पड़ेगी या किसी और दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे. तो बेटा जब भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो उस जिसके अंदर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स का अलग अलग टाइम गिवन है कि हाँ जी कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस को वो कितनी देर बाद कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और वो दोबारा से कब इकट्ठे होंगे, दोबारा से अगेन कब, तो उस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. सबसे पहला काम है एलसीएम करना, उसके बाद में हम देखेंगे कि हाँ जी उसके अंदर गिवन क्या है. अगर डे है तो डे के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मिनट आर है तो मिनट आर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जैसे भी रिक्वायरमेंट है. ओके, तो फर्स्ट क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड आउट करना है. अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम देखें तो 5, 24 और 9 क्या एलसीएम निकल के आएगा बेटा. एलसीएम आई थिंक सभी को निकालना आता है, फिर भी एक बार मैं बता दे, सिर्फ इस क्वेश्चन में करेंगे, बाकियों में आप डायरेक्टली करना. ठीक है, देखो तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेटा अपने पास में एलसीएम बनेगा 360 बनेगा. हाँ जी 360 बनेगा, डायरेक्टली आपको आना चाहिए. देखो अगर मान लो मैं यहीं से देखती हूँ तो 24×5 120 हो गया, 120 और यहाँ पे तीन दोनों में कॉमन था, तो 120 को अगर हम तीन से करते हो तो कितना हो गया आपके पास में, 360 हो गया. डायरेक्टली 360 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा. डन. अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम आती है तो बेटा जो अपना डिवीजन मेथड है उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 से ये कितना हो गया आपके पास में, ठीक है, ये कितना हो गया 15, 8 है, 120 360 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, जो आपको इजी लगता है वैसे कर लो, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, एलसीएम आ गया. अब बाद में प्रोसेस क्या है, कह रहे हैं कि अगर वो संडे को मिल रहे हैं तो दोबारा कब मिलेंगे. अब देखो संडे को अगर वो मिल रहे हैं दैट मींस कि वीक के अंदर कितने डे हैं, 7 डेज हैं, 7 डेज के बाद फिर संडे आएगा, फिर 7 डेज के बाद संडे आएगा, ऐसे ही आता है. तो हमने क्या करना है कि भाई वो 360 दिन के बाद में वो मिल रहे हैं तो हम इसको वीक के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितना हो गया आपके पास में, 51 वीक्स तो पूरे के पूरे हो गए. ठीक है, और आपके पास में बच गया कितना, 3 डेज एक्स्ट्रा बच गए. ओके, तो 51 डेज दैट मींस कि आफ्टर 51 वीक्स क्या होगा आपके पास में, संडे ही आएगा. संडे के बाद में 3 दिन बच गए, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्या आ गया आपके पास, वेडनेसडे. तो आंसर क्या आ जाएगा, बी वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सिंपल क्वेश्चन था. अब देखो इसी तरह से ये क्वेश्चन है दूसरा, क्या कह रहा है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकंड्स एंड 48 सेकंड्स. 41 जो है वो कब अलार्म बज रहा है उसका, 50 सेकंड्स के बाद में. ठीक है, और दूसरा 48 सेकंड्स पे. इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, दोनों कब बजे इकट्ठी, 12 बजे, देन एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है ना. ओके, तो ये कह रहा है कि बताओ इसके बाद में वो पहली बारी में कब बजेंगे, इसके बाद में कह रहा है. ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या करेंगे बेटा, देखो 12 बजे के बाद में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, किसका, 50 एंड 48 का. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एलसीएम क्या आएगा आपके पास में, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा ये आपके पास में अगर हम देखें तो ये बन गया बेटा 1200 आ जाएगा इसका एलसीएम. ठीक है, 1200 एलसीएम आ गया. अब ये जो 1200 ये क्या है आपके पास में, दीज आर सेकेंड्स, दीज आर सेकेंड्स. अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करती हूँ तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे ही हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 60 20 क्या आ गया आपके पास में, मिनट्स आ गया.
ओके, दैट मीन्स कि 12:20 पे क्या आ जाएगा आपके पास में 12:20। ओके क्लियर, कोई इसके अंदर इशू आ रहा, कोई भी इशू, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच ईच 6/7, 5/14, 10/21 विल डिवाइड एग्जैक्टली इज, कह रहे कि किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटे से छोटा फ्रैक्शन बताना है आपको। तो उस केस में अभी हम करेंगे क्या, आप देखो अपने पास में पहले तो फ्रैक्शंस देखो, क्या है 6/7, दूसरा क्या है 5/14 और तीसरा क्या है 10/21। ओके तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बेटा बात हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास में कह रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी, इससे भी। तो उस केस के अंदर क्या आएगा आपके पास में, एलसीएम फाइंड आउट करना। देखो अब इस स्टेटमेंट में भी मुझे कहीं नहीं पता चल रहा कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ करना है, ठीक है। स्टेटमेंट से आपको देखना है कि हाँ जी यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ के द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मीन्स कोई भी एक ऐसा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, वैसे तो स्मॉलेस्ट से ही पता चल रहा है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा, जब लीस्ट आता है तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, सिर्फ इधर से भी नहीं, दूसरा भी एक पॉइंट माइंड में रखना है। अब कह रहे हैं विल डिवाइड एग्जैक्टली, अब यहाँ पे दो लाइन्स आते हैं, एक तो बेटा आ गया विल डिवाइड एग्जैक्टली, दैट मीन्स व्हाट, कि जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे का दूसरा क्या है कि विल बी डिविजिबल बाय दीज नंबर। तो उस केस के अंदर हम एचसीएफ निकालते, बट वहां पे अपने पास में यहाँ पे हाईएस्ट फ्रैक्शन आ रहा होता, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करोगे। जब बेटा एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको किसका, फ्रैक्शंस का। जब फ्रैक्शन का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके अब न्यूमरेटर का एलसीएम अगर हम देखते हैं तो 6, 5 and 10 का क्या आएगा, 30 आएगा। अब जैसे ऐसे काफी सारे नंबर होते हैं ना, तो उसमें ऐसे कर लिया करो, जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे, जैसे ये है 10, ठीक है, तो ये चेक करो 10 5 से तो डिविजिबल बट 6 से नहीं है, फिर 10 2 जा 20 20 को देखो, हाँ जी 5 से तो डिविजिबल बट 6 से नहीं है, 10 3 जा 30 30 देखो दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि यही आएगा, ठीक है। हर बार डिविजिबिलिटी आपको करने का जरूरत नहीं है कि हाँ जी आप डिविजन मेथड से करो। अब दूसरा देखो, अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, जब एचसीएफ देखते हैं तो सबसे छोटे वाले नंबर को देखना, अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 4, 7 है सॉरी, ठीक है। अब 7 से चेक करो कि हाँ जी बाकी के सारे नंबर्स मेरे डिवाइड हो रहे, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, दैट मीन्स कि सारे नंबर डिवाइड हो रहे, दैट मीन्स कि क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30/7। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑन अशोक मार्ग 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर 36, 42 एंड 72 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली, कितनी कितनी देर के बाद में चेंज हो रही है, 36 सेकंड, 42 सेकंड्स एंड 72 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच्ड ऑन एट 9 AM शार्प, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली, दोबारा से मतलब कठिया कब होंगे। जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या करना है बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके यू विल फाइंड द एलसीएम। अब एलसीएम किन का देखोगे, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम निकालना आपको 36, 42 एंड 72। ओके तो यहाँ पे बेटा एलसीएम आप निकालो, इसका कितना बनेगा, हाँ जी 36 × 72, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने पास में निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, दिस 36, 42 एंड 72। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो गया बेटा 18, 21, 21 ओके करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया, कब तक करना होता है, जब तक हमें लग रहा है कि हाँ जी अब दोबारा कोई भी दो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3 × 6 = 36, 36 × 72, 72 × 7 कितना हो गया, 7 × 2 = 14, ठीक है, और 7 × 49 = 50, 504 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में, 504 विल बी द एलसीएम, डन इज इक्वल टू 504, दैट मीन्स कि आफ्टर 504 सेकेंड्स दे विल चेंज साइमल्टेनियसली,
ओके अब यहाँ पे बेटा बात आ रही है कि सेकंड्स में है, हमें किस में डाटा कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको 60 से आप डिवाइड करोगे, 60 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में। 60 से अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 6:48, 8 मिनट्स तो पूरे के पूरे आ गए, बच गया क्या 4:02, ठीक है मिनट्स, एंड जो रिमाइंडर बच गया दैट इज सेकेंड्स, दैट मीन्स 8 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। तो 8 मिनट्स 24 सेकेंड, तो 9 पे है, 9 के बाद में क्या आएगा, 8 मिनट 24 सेकेंड, तो 8 मिनट 24 सेकेंड, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर बार ना स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर। 2020 के अंदर बेटा 3 क्वेश्चंस थे एलसीएम एचसीएफ पे से, ठीक है, एक एलसीएम का था, ठीक है, एक एचसीएफ का था, और एक क्वेश्चन था आपके पास में इस तरह से। तो अब इसके अंदर भी क्या करना है, हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है फाइनली। तो एक तरह से 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे 2020 के अंदर, बाकी के 2 तो प्रीवियस ईयर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये भी डिस्कस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले प्रीवियस ईयर में कर चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर अगर आप एलसीएम एचसीएफ चेक करते हो तो वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि दोबारा से मैं क्यों लेके आई, ताकि आपको ये पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए जो इस तरह के रिमाइंडर वाले कंसेप्ट हैं, ओके। तो बेटा एलसीएम एचसीएफ के अगर इस तरह के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी कर लीजिए अपने क्लियर, अभी टाइम है आप लोगों के पास में। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या कर सकते, द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5, 6 लीव्स ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हर बार कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस आ जाते हैं, यहाँ पे लिस्ट नंबर भी आ जाता है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो जब भी आपके पास काफी सारे नंबर्स गिवन होते हैं ना, कि इस नंबर से भी डिविजिबल, इस नंबर से भी डिविजिबल, इस नंबर से भी डिविजिबल, तो सीधा सीधा सबसे पहले तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी क्या देखना है कि भाई इसका एलसीएम देखेंगे, मीन्स कि जो नंबर 3, 4, 5, 6 सभी से डिविजिबल चाहिए तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है, एक एक को तो चेक करा नहीं जाता, हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के बाद में क्या होगा, आपके पास में एक नंबर आ जाएगा, फिर चेक करो उस पर्टिकुलर नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। जब वो नंबर से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स कि जो बाकी के नंबर्स हैं उनसे वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले करेंगे बेटा एलसीएम 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में एलसीएम आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा एलसीएम, यस 60 विल बी द एलसीएम, ठीक है ना। 65 से भी डिविजिबल है बेटा, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यस 60 विल बी द एलसीएम, ओके। अब एलसीएम आ गया मेरे पास 60, अब आगे क्या, अब उसने साथ में कहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अगर मेरे पास सिंपल अगर क्वेश्चन ये होता कि हाँ जी ये इस चीज को छोड़ दो लिस्ट नंबर को, ठीक है, अगर यहाँ पे अपने पास में आ जाता कि लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स को भी छोड़ दो, बस सिर्फ अगर इतना है कि द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स एंड रिमाइंडर दिस ईच केस, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता तो उस केस में हम क्या करते, कंसेप्ट बता रही हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, सो दैट कि आपको एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाँ जी 20 में आया हुआ है ये, ठीक है 20 में ये आया हुआ है तो इस बार भी सेम एज इट इज आएगा, नहीं। आपको कंसेप्ट देखो, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन होता कि द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस, इन दैट केस क्या आता अपने पास में आंसर, 60 तो ये आ गया एलसीएम प्लस 2 कर देते कितना आ जाता 62। अब देखो 62 को अगर हम 3 से डिवाइड करते 2 रिमाइंडर बच रहे, 3 से करते 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से करते 2 रिमाइंडर बच रहा है, सभी से 2 रिमाइंडर बच रहे, 62 आंसर आ जाता, खत्म। बट अभी क्वेश्चन क्या है, अभी आपके पास में क्वेश्चन यहां पे क्या है कि लिस्ट नंबर विद 4 डिजिट, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, दैट मींस अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अब यहां पे नंबर सिस्टम का कांसेप्ट भी बीच में आ गया। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर कौन सा होता है बेटा जी, हां जी 4 डिजिट का नंबर कितना होता है, 1000 4 डिजिट का लिस्ट नंबर है। नाउ यू विल डिवाइड इट बाय द एलसीएम, इस 60 से आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। जब 60 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर यहां पे देखेंगे कि हमारे पास में देखो ये हो गया बेटा 60 से 40, ठीक है
ओके सो कितना रिमाइंडर बच गया आपके पास में, 40 रिमाइंडर बच गया। आप कह रहे हैं कि अब अगर मान लो होता है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर के केस में बेटा होता है कि सब्ट्रैक्ट करते होते हैं इस नंबर में से, ठीक है, 9999 हाईएस्ट है, उससे डिवाइड करोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बट यहाँ पे अगर मैं इस 40 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो नंबर क्या रह जाएगा, वो तो 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। जब 3 डिजिट का नंबर रह गया तो फिर वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम करेंगे क्या इसके अंदर, एक हमें अब एक तरह से मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 60, द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 60 ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर, या फिर आपके पास ऐसे भी आ सकता है व्हाट शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट इट इज डिविजिबल बाई 60, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल एक ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल के अंदर। दोबारा से स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे एक मिनट, सारे के सारे ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 60। ओके ऐसे भी आ सकता है। उस केस के अंदर क्या करते होते हैं हम, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो। दैट मींस कि अगर मैं इस 1000 के अंदर 20 ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, 1020 आ गया। नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 60, क्लियर, क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ गया। बट अब अपने क्वेश्चन में क्या है, 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए हर बार, हर बार 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 2 को ऐड कर दो, कितना आ गया, ओके सो योर आंसर विल बी 1022, क्लियर है, कोई इसके अंदर डाउट, सिंपल क्वेश्चन था। बस ध्यान रखना इसके अंदर क्या करना, जब आता है बेटा व्हाट टू बी आपके पास में एडिड के केस में क्या आएगा आपके पास में, डिवाइजर के अंदर से रिमाइंडर को माइनस करोगे, उस नंबर को ऐड करोगे, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है व्हाट टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो उस केस के अंदर रिमाइंडर को डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। डन, बताओ कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया है, क्या फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 सो दैट लीव्स द सेम रिमाइंडर इन द इस केस, ठीक है, उससे डिफरेंट है वैसा क्वेश्चन भी आएगा। एक दिन पहले वही करवाती हूँ आपको, पहले ये करिए उस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये करो क्योंकि वैसा सा ही क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई दीज नंबर्स, ग्रेटेस्ट नंबर, वहां पे क्या था अपने पास में, स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब हम ग्रेटेस्ट में भी बात कर रहे हैं 4 डिजिट की, तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का कौन सा होता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। बट उसने क्या कहा कि इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए। जब भी इस तरह का केस आता है तो करोगे क्या, यहाँ पे बेटा नंबर सिस्टम और एलसीएम दोनों कंबाइन हो गए, दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे, 15, 25, 40, 75 एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 1500 के साथ 600 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 600 विल बी द एलसीएम। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, 600 एलसीएम आ गया बेटा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ये क्या कह रहा है कि जब मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, फुली डिविजिबल होना चाहिए बाई दीज नंबर्स, ओके। तो अगर अपने पास सिर्फ क्वेश्चन होता है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई दीज, तो 600 विल बी द योर करेक्ट आंसर, ओके। बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो बेटा देखो कितना बच गया आपके पास, 9939, ठीक। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में, हाँ 3600 आ गया, ठीक है, 3600 आ गया। दैट मीन्स कि 399 इज द रिमाइंडर। अब अगर मान लो पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो मेरा नंबर है उसके अंदर से रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 9600, सो 9600 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन, बैक जाते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं। देखो अगर इस तरह से है लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर 4 डिजिट का कितना होता है आपके पास में, 1000, ठीक है, 1000।
दोनों केसेस में हमने करना क्या है, एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करा, एलसीएम वहाँ पे फाइंड आउट करा। अगर लिस्ट नंबर की बात है तो लिस्ट से डिवाइड करेंगे, अगर ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट से डिवाइड करेंगे। बट अगर लिस्ट हो रहा है तो उस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐड के लिए हमें पता होना चाहिए क्या ऐड होता है, हमेशा रिमाइंडर नहीं ऐड होता, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड होता है, ओके। बट अगर मान लो आपने पास में ऐसे ग्रेटेस्ट का आ रहा है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, ओके। अगर इसी में फर्दर और लाइन ऐड होती कि रिमाइंडर इज 3-2 ऑलवेज, या इस तरह से कुछ भी लाइक दिस, जैसे यहाँ पे था लीव्स ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस, तो यहाँ पे भी अगर अपने पास में इस तरह से कुछ होता कि लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 ईच केस, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 ईच केस, तो उस केस में उसको इसके अंदर हम ऐड कर देते। मान लो यहीं पे एक लाइन आती है, लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है, फिर क्या करते हैं आप इसके अंदर 5 ऐड कर देते, आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, आंसर रहेगा बेटा 9600। क्लियर, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है ना ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो आप इजीली, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज माइक्रो कोर्सेज में जाना है, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहां से एलसीएम एचसीएफ और कुछ करो ना करो बेटा, नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ तो जरूर करना है सभी ने, नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ तो जरूर करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका रह गया, वो करते हैं पहले। यस, दिस इज द क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 4391 183 सो दैट लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब जब भी सेम रिमाइंडर का केस आता है ना, क्या आ जाता है, सेम रिमाइंडर, क्या वर्ड यूज हो रहा है बेटा, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, उस केस में क्या करना, हमने इसको इसके अंदर से माइनस करोगे, इसको इसके अंदर से करोगे, और इनको ऐसे माइनस करोगे, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट है, दैट मीन्स क्या करना है, हमने HCF फाइंड आउट करना है, और HCF किनका फाइंड आउट करोगे, HCF किसका फाइंड आउट करोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस 91 माइनस 43, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 183 माइनस 91, और इन दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स 183 माइनस 43। मीन्स आप ऐसे कह सकते हो ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब यहाँ पे माइनस के साइन में कंफ्यूज नहीं हो रहा, मीन्स बड़े नंबर में छोटे वाले को माइनस करना, बस इतना सा ध्यान रखना है, ओके। तो अब यहाँ पे बेटा अपने पास में किसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, ये हो गया आपके पास में 48, ये 13 में से एक, ये हो गया आपके पास में 92, एंड दिस विल बी 140, ओके। अगर हम इसका एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा आपके पास में 48 से तो नहीं जा रहा ना, यस बेटा, ये आपके पास में 4 HCF आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपके पास में, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। HCF निकाल लेते हो सभी, आई थिंक HCF सभी को फाइंड आउट करना आता है, एक बार बता देती हूँ बेटा। HCF देखो, ये जो दो नंबर है, ठीक है ना, कोई भी दो नंबर उठा लो पहले। अब जैसे यही था अपने पास में 92 एंड 48, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे अपने पास में ये वैल्यू कितनी आ गई, अब जो रिमाइंडर बचता वो बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा आपके पास में डिविडेंड, ओके। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, 4, और 4 से ये पूरे का पूरा डिविजिबल है। कब तक चलना है इस प्रोसेस ने, जब तक आपका कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो जाता। कितना आ गया, 4। अब जो आपका 4 आ गया उसको आप थर्ड जो नंबर है उसके साथ में डिवाइड करके देखो, 140 को अगर हम 4 से डिवाइड करते, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि 4 विल बी द एचसीएफ। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट ये अपना हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7। अब साथ में उसने क्या कहा, मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइड्स बाय 6, 9, 15 एंड 18। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम किसका, 6, 9, 15 एंड 18 का। ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ जाएगा बेटा 15, 6, 90, 90, 2 सभी से जा रहा है, कितना आ गया आपके पास में, 90 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता सिंपल इतना, ठीक है, फाइंड द नंबर
नंबर लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो अपने पास में क्या आता आंसर 90 प्लस जो भी आपके पास में रिमाइंडर दे रहा है, रिमाइंडर कितना है आपके पास में बेटा 4, ठीक है, प्लस 4 दैट मींस 94 आंसर आ जाना था आपका, 94 आंसर आ जाना था, ठीक है। बट यहाँ पे अब क्या कह रहा है ये कि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 94 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, इसने यहाँ पे मुझे क्या कहा, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, ओके। तो उस केस में करना क्या है कि एक तरह से हमारे पास में ये जो नंबर बनता है बेटा क्या बन रहा है, जो एलसीएम है उसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट ले लो, साथ में जो भी आपके पास में रिमाइंडर बचे। पहले पुट करके देखा हमने 1 से नहीं आ रहा, फिर 2 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो क्या आ गया आपके पास में 180 प्लस 4 कितना 184। अगेन चेक करो इज दिस इज डिविजिबल बाई 7, तो 7 से ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे बेटा अपने पास में 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 से डिविजिबल नंबर अगर मैं चेक करूँ तो ये आ जाएगा। अगर मान लो मैं k की वैल्यू 2 पुट करें तब भी नहीं आएगा, 3 पुट करेंगे दोनों होती है 27 और 4, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इन नंबर्स के अंदर से देख लो कि 7 का डिविजिबल कौन सा है, जो 7 का डिविजिबल वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर बेटा आप 7 पुट करते हो, ठीक है ना, 7 पुट करते हो, कितना पुट करेंगे हम, सॉरी 7 तो बहुत आगे आ गया, 2, 3 पुट करते हैं तो नहीं जा रहा ना, नोतिया 27 जमा 4 274 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, k इज इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो कितना आ गया ना, चूँकि 36, 360 प्लस 4 दैट मीन्स 364, ये दिस इज डिविजिबल बाई 7, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 364। अगर आपको लगता है कि हाँ जी यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा या कुछ भी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास में जो नंबर है 90k प्लस 4 आ रहा है, ठीक है। अब उस केस में आप देखो कि ये तो दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों को चेक करो कि हाँ जी ये अपने पास में 7 से डिविजिबल है, तो ये 2 पुट करके देख रखा है 7 से डिविजिबल नहीं है, अगला 7 से डिविजिबल है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज द लीस्ट मल्टीपल विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7, 8 लीव्स द रिमाइंडर 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाई 9 नो रिमाइंडर। दैट मीन्स कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लास्ट में किया कि 7 से तो डिविजिबल था वो, जैसे इस केस के अंदर क्या था, कह रहा था मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लीव्स रिमाइंडर 9 से जब डिवाइड करते देन नो रिमाइंडर, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल 9, ओके। तो डिविजिबल बाय 9 आ रहा है, दैट मींस कि क्या करेंगे, पहले इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे बेटा, सॉरी एलसीएम फाइंड आउट करोगे, एलसीएम निकालो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बेटा अपना 2 की टेबल से ही जा रहा है, चार बस इसी से ही है, तो कितना हो गया 5 3 15 15 जो कि 60 60 180 840 840 आ जाए, कितना आ गया एलसीएम 840 विल बी द एलसीएम, ठीक है। अब हमारे पास में जो टर्म है वो क्या कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3, दैट मीन्स कि जो नंबर होगा नंबर अपना क्या बनेगा 840 के प्लस 3। के मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई 9 जो भी नंबर होंगे जो इस फॉर्म में होंगे वो सारे के सारे नंबर के अंदर सेम आपकी जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही होगी, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम वैसे देखते तो 843 आंसर आ जाता, बट उसने क्या कहा है कि 9 से रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, दैट मींस कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो 843 अगर हम k की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 1, तो कितना आ गया अपने पास, स्टार्टिंग में वैसे भी 843 आता है, तो 843 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब k की वैल्यू पुट करते हैं हम 2, ठीक है, जब 2 पुट करोगे तो कितना आ गया 1683 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है, 7 और 3 10 और 8 18, हाँ सम अगर डिविजिबल है 9 से दैट मींस कि नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9, तो दिस इज डिविजिबल, सो आंसर विल बी 1683, क्लियर। तो ये वाले टाइप भी अगर आ गए तो 2-3 क्वेश्चन हो गए आपके इस तरह के, तो कर लेंगे सभी, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ए गार्डनर हैज टू प्लांट ट्रीज। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आए, अब जैसे ये क्वेश्चन है ये एक तरह से डायरेक्ट अपने पास में स्टेटमेंट में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट आ जाए उस पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ये वाली ही हमारे कंडीशन अप्लाई हो रही है, जैसे ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ए गार्डनर हैज टू प्लांट ट्रीज इन रोज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, इफ ही प्लांट रोज
ऑफ 6, 8, 10 और 12 देन 5 trees आर लेफ्ट। तो क्या कह रहा है कि 5 बच जाते हैं, 5 ट्री उसके अनप्लांटेड रह जाते हैं। बट इफ ही प्लांट्स इन ए रो ऑफ 13 इन ईच देन नो ट्रीज लेफ्ट। अगर वो 13 ट्री करता है तो कोई भी नहीं बचता, दैट मींस कि जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होएगा, यही कह रहा है वो। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रीज दैट द गार्डनर प्लांट, तो बताओ कितने ट्रीज उसके पास थे प्लांट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, एलसीएम अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 120 विल बी द एलसीएम। अगर आपके पास में ये नीचे वाली कंडीशन नहीं होती, सिर्फ इतना क्वेश्चन होना था, तो उस केस में अपने पास में क्या आ जाना था, हाँ जी 5 trees left, दैट मीन्स की 125 आंसर आ जाता। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर वो 13 ट्रीज लगा रहा है देन नो ट्री लेफ्ट, इन दैट केस क्या करेंगे हम, हमारी जो कंडीशन है वो क्या अप्लाई करोगे, वही करोगे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, k+5, बट दिस शुड बी डिविजिबल बाई 13। ओके, तो इस केस के अंदर देखो बेटा, हम 13 से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो वही ऑप्शन वाला भी आप ले सकते हो कि हाँ जी मेरे 13 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, उसके बाद इसमें आप पुट करके देख लो कि हाँ जी मेरी कंडीशन चल रही है। या फिर अगर हम वैसे देखें तो आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा, अगर हम 13 से देखें तो अगर मैं के की वैल्यू लेती हूँ बेटा 7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 × 7 = 84, 845 एंड दिस इज डिविजिबल बाई 13। क्लियर, 13 से डिविजिबल है, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, यस दिस इज डिविजिबल बाय, तो कितना आ जाएगा, 845 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, 845 जो ऑप्शन है ऑप्शन में से चेक कर लिया करो, जिससे वो डिविजिबिलिटी कह रहा है ना, तो उसमें से कौन सा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना, तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब अगला देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास में, ABC स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम, ए कंप्लीट्स द राउंड इन 252 सेकंड्स, बी इन 308 सेकंड्स एंड सी इन 198 सेकंड्स, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमारा फर्स्ट था, क्या कह रहा है कि दोबारा से कब स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे या दोबारा से कब मिलेंगे, बात तो वही है। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम निकालोगे, सिंपल क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, 252, 308 एंड 198, आपके पास जो भी कुछ नंबर आएगा दैट विल बी इन सेकेंड्स, एक पर्टिकुलर कोई नंबर आएगा दैट विल बी इन सेकेंड्स, उसको क्या करोगे आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाई 6, तो आपके पास मिनट्स और सेकेंड में आ जाएगा। ओके, कर लेंगे सभी, आई होप सभी फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ जी, तो इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करके आंसर निकाल लेंगे, या करके दिखाऊं मैं आपको, कर लेंगे सिंपल ही, एलसीएम निकालोगे आप इसका, बता देती एक मिनट, हाँ ये है बेटा 252, अगर नंबर थोड़े बड़े आ जाते हैं तो उस केस में तो आपको डिविजिबिलिटी रूल बेटा अप्लाई करना ही पड़ेगा उस केस के अंदर, तो ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे ये 2 से जा रहा है ना, ओके, तो उसके बाद में अब अपने पास में ये नंबर है, फिर 2 से जा रहा है, या 6 और 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14 और ये यहाँ पे 99, तो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये 7 की टेबल से जा रहा है, 7 × 8 = 11 और 99, उसके बाद जाएगा बेटा 9 से और 11 से, है ना, अगर मैं 9 से देखती हूँ, अगर हम देखें 9 से तो ये हो गया 1, 11 एंड 11, उसके बाद बेटा 11, ठीक है, दिख रहा है सभी को, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 7 × 9 × 11, कितना आ गया ये आपके पास में, 4 × 7 = 28 × 99, 99 से मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल इजी है ना, मैंने आप लोगों को कराया भी था, दिस विल बी 772। ओके, 9 से 9 की जो है 99 से तो मल्टीप्लाई करना इजी है, डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास में बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2772 विल बी द एलसीएम। ओके, अब ये क्या है, मिनट्स में आ रहा है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो हो गया आपके पास में 6 × 24
और 6 6 36 12 मिनट्स और ये हो गया बेटा मिनट्स, और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास में 12, दैट मीन्स कि 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। सो योर आंसर विल बी 46 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ओके, सो आई होप सभी को क्लियर है, सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स, इफ द सम ऑफ द नंबर्स, टू नंबर्स इज 55 एंड HCF LCM ऑफ दिस नंबर इज 5 एंड 120, देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। देखो अगर मैं कहूँ कि मेरा नंबर है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। अब ये कह रहा है कि अगर मुझे इसके रेसिप्रोकल का सम चाहिए, अगर मेरे पास में नंबर है तो फिर तो मैं इजीली कर लूंगी कि 1/a + 1/b। ओके, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे तो आपके पास में दोनों नंबर तो गिवन नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे उसने दोनों का सम बताया, मुझे सम दिया है, दैट मीन्स व्हाट, कि ए प्लस बी मुझे पता है कितना है 55, और साथ में उसने LCM और HCF दे दिया। क्या कह रहा है, LCM कितना है 5 एंड HCF कितना 120, दैट मींस कि मेरे पास प्रोडक्ट भी है, दैट मींस कि A इनटू B की वैल्यू भी मेरे पास है कितनी 5 इनटू 120। यू शुड नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, मींस अगर मेरे पास में दो नंबर है तो ये किसके बराबर होंगे, इनके LCM और HCF के इक्वल होंगे। ओके, तो बस यही है। अब देखो अगर मान लो मैं इसको करती हूँ सोल्व, तो क्या आएगा, ए बी, यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस ए। ओके, अब दोनों का सम मेरे पास एग्जाम के अंदर गिवन ही है, क्वेश्चन के अंदर कितना है 55, मैंने 55 लिख दिया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 5 इंटू 120, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया बेटा 11, कितना आ जाएगा 11/120। सो 11/120 विल बी द करेक्ट। ओके, अगर कर लेते हो इस तरह के क्वेश्चंस को देन वेल एंड गुड, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो LCM HCF ले सकते हो। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हाँ जी आपने पूरा कंप्लीट LCM HCF लेना है, LCM HCF के अंदर भी आप लोगों के पास में फ्रीडम है कि वीडियो लेक्चर लेने हैं कंसेप्ट के लिए तो वीडियो लेक्चर्स ले लो। ओके, अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।